शिवराज के राज्य में अगर शंकर केद में है तो वो फिर राज किसी काम का नहीं। शिव के राज में शिव ताले में बंद, मेरा शंकर आज तक आजाद नहीं हो पाया ऐसा राय से ने? सुना पंडित जी ने तो ऐसे भड़के कि शिव को भी चेता दिया, शिव मंदिर में ताला डला है और तुम दीवानी बन रहे हो। विपक्षी दलों ने शिव को खूब घेरा होगा साहब, लेकिन इस बार एक पंडित जी के निशाने पर है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। पंडित हैं शिवराज के गृह जिले के रहने वाले कथावाचक प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले। लाखों की भीड़ जमा थी और स्थान रायसेन। कथा के बीच पंडित जी को किले पर विराजमान शिव की सुध आ गई। आओ ना देखा ताओ, पहले तो रायसेन की जनता को जमकर लपेटा और फिर मुख्यमंत्री शिवराज के राज को ही कटघरे में खड़ा कर मारा। तुम्हारे घर का पिता, तुम्हारे घर का बाऊजी, तुम्हारे घर का बुजुर्ग, तुम्हारे घर का बड़ा, तुम्हारे घर का बाप केद में पड़ा हो और तुम दिवाली पे गुजिया पपड़िया खा लेते हो। धिक्कार है रायसेन वालों को। शिवराज के राज्य में अगर शंकर केद में है तो वो फिर राज किसी काम का नहीं। शब्द ऐसे कि शिव भक्तों से लेकर शासन के मुखिया तक को झनझना दें। दरअसल रायसेन के किले में भोले विराजते हैं। मंदिर का निर्माण 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच हुआ था। इसे परमारकालीन राजा उदयादित्य ने बनवाया था। कहा जाता है कि राजघराने की महिलाएं मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए आती थी। कहा जाता है कि राजघराने की महिलाएं मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए आती थी। फिलहाल पुरातत्व विभाग इस मंदिर की देखरेख करने की जिम्मेदारी उठा रहा है। इतिहास के पन्ने पलटे तो पता चलता है साहब कि रायसेन के राजा पूरणमल को शेर शाह ने हरा दिया था और इस स्थान से शिवलिंग हटाकर मस्जिद बना दी गई। जानकारी के अनुसार गर्भगृह के ऊपर गणेश जी की मूर्ति सहित अन्य प्रतीक चिन्ह स्थापित रहे। इससे साफ स्पष्ट होता है कि ये मंदिर था। आजादी के बाद सन 1974 तक मंदिर पर ताला लटका रहा। फिर उस दौरान एक बड़ा आंदोलन हुआ, जिसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश चंद सेठी ने खुद आकर मंदिर के ताले खुलवाए। आवाज उठने के बाद से मंदिर के पट साल में एक बार यानी कि महाशिवरात्रि पर 12 घंटे के लिए शिव भक्तों के लिए खोले जाते हैं। खैर, पंडित जी ने रायसेन के किले से पत्थर तो फेंक दिया, जिसकी चोट शिव भक्तों को भी लगी है और शायद राजनीति को भी घायल किया होगा। चोट कितनी करारी और असरदार, ये तो भैया शिव ही जाने। सन 74 में एक मुख्यमंत्री जी आए थे और केवल एक दिन के लिए वो ताला खोल कर गए थे। मेरा भारत आजाद हो गया पर मेरा शंकर आज तक आजाद नहीं हो पाया ऐसा राय से। शिवराज के राज्य में अगर शंकर केद में है तो वो फिर राज किसी काम का नहीं।